Students, from today we are going to start our new book, My Semester 1B. Students, पहले हम first term की study My Semester 1A book में से करते थे. अब हम second term की study करेंगे My Semester book 1B से. Okay students, now let's start. Students, now take out page number 110, chapter number 6, plants around us. आज हम क्या पढ़ेंगे? Plants around us. Plants क्या होता है? पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं. Let's start. We see many plants around us. हम अपने आसपास क्या देखते हैं? बहुत सारे पेड़ और पौधों को देखते हैं. ए प्लांट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. अब हम देखते हैं पार्ट्स, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट फ्रूट. क्या पार्ट होता है? फ्रूट. फ्रूट क्या होता है? फल. द फ्रूट कॉन्टेन सीड्स. फ्रूट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे सीड्स होते हैं. आप सबने देखे होंगे हर फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. जैसे आप टमाटो को कट करते हैं तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे सीड्स होते हैं. जब आप गुआवा खाते हैं तो आप उसको कट करते हैं, उसमें से भी सीड्स होते हैं. हर फ्रूट में हम सीड्स देखते हैं. सीड्स, द सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स. सीड्स कहाँ पे ग्रो होते हैं? प्लांट्स के अंदर. नेक्स्ट फ्लावर. द फ्लावर मेक सीड इन फ्रूट्स. फ्लावर कहाँ पे होते हैं? क्या बनाते हैं? सीड्स. फ्रूट्स के जो अंदर होते हैं उनको फ्लावर्स बनाते हैं. नेक्स्ट लीफ. लीफ मीन्स पत्ती. आप सबने देखा है पत्तियों का कलर कौन सा होते हैं? द लीव्स आर ग्रीन इन कलर. पत्तियों का कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर. दे मेक फूड फॉर प्लांट्स. वो क्या करती हैं? प्लांट्स के लिए फूड मेक करती हैं. नेक्स्ट स्टेम. स्टेम क्या होता है? पौधों की जो डंडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम. द स्टेम ग्रोस अबव द सॉइल. स्टेम कहाँ पर ग्रो होती है? मिट्टी के ऊपर. इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये क्या करती हैं? ये पूरे पौधे को वाटर एंड फूड पूरे प्लांट को देती हैं. नाउ रूट. रूट क्या होती है? जो पौधों की जड़ें होती हैं. द रूट ग्रो बिलो द सॉइल. रूट्स कहाँ होती हैं? मिट्टी के नीचे. पौधों में मिट्टी के नीचे जो पार्ट हमें दिखता नहीं है तो वहाँ पर रूट्स होती हैं. और रूट्स किसी भी शेप में बढ़ती हैं. किसी भी शेप में आपने देखा है कभी? आपने आप देखेंगे और रूट्स क्या देखी करती हैं? दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द प्लांट्स. वो क्या करती हैं? जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं, आप पौधों में पानी डालते हैं तो किस जगह पर डालते हैं? जहाँ पर उसमें मिट्टी होती है. और रूट्स क्या करती हैं? पूरे पौधे को पानी देती हैं. ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. अब हम बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. प्लांट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. सम प्लांट्स आर बिग, अदर्स आर स्मॉल. कुछ तो क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े होते हैं. और कुछ क्या होते हैं? छोटे छोटे. सम प्लांट्स आर शॉर्ट एंड बशी. कुछ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और बुशी होते हैं, यानी घने होते हैं. ट्रीज. नेक्स्ट कभी का सी ऑन द नेक्स्ट पेज. ट्रीज. सम प्लांट्स ग्रो वेरी बिग. कुछ प्लांट्स बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं. दे आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. वो एक तो लंबे होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ट्रीज. आपने अपने आसपास बहुत सारे ट्रीज देखे ना, जैसे मैंगो ट्री. मैंगो ट्री से हमें क्या मिलता है? मैंगोस.
यू ऑल लाइक मैंगोज, है ना। नेक्स्ट, नीम ट्री, पाइन ट्री, कोकोनट ट्री। नेक्स्ट, श्रब्स, सम प्लांट्स ग्रो शॉर्ट, कुछ प्लांट्स बहुत शॉर्ट होते हैं बट स्ट्रॉन्ग एंड बुशी, और क्या होते हैं वो, स्ट्रॉन्ग होते हैं और घने होते हैं। दे हैव सेवरल स्टेम्स नियर द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, कुछ ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब्स। एग्जाम्पल क्या है श्रब्स के, रोज एंड हिबिस्कस, रोज प्लांट क्या है, श्रब। नेक्स्ट, हर्ब्स, सम प्लांट्स ग्रो स्मॉल, कुछ प्लांट्स छोटे छोटे ग्रो होते हैं। दे हैव सॉफ्ट स्टेम, उनकी डंडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। एग्जाम्पल, बेजिल यानी तुलसी, आप सबके घर में तुलसी का पौधा है जिसकी आप पूजा करते हैं। एंड मिंट, मिंट यानी पुदीना, जिसकी मम्मा आपके घर में चटनी भी बनाती है। नेक्स्ट, क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होते हैं, सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ प्लांट्स की स्टेम कैसी होती है, वीक होती है। दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, जो कहाँ से उगते हैं, ग्राउंड से। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स। एग्जाम्पल्स क्या हैं क्रीपर्स के, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज। क्लाइंबर्स, अब हम देखते हैं क्लाइंबर्स क्या होता है। सम वीक स्टेम्ड प्लांट्स नीड सम सपोर्ट टू क्लाइंब अप, कुछ प्लांट्स को कि स्टेम कैसी होती है, बहुत ही वीक, कि उनको खड़ा होने के लिए भी क्या चाहिए रहता है, सपोर्ट चाहिए रहता है, वो अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि मनी प्लांट्स, आपने अपने घर में मनी प्लांट देखा है, मनी प्लांट अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, उसको आपको खड़ा करने के लिए क्या देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। एंड ग्रेप वाइन, सच प्लांट्स कॉल्ड क्लाइंबर्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। नेक्स्ट, वाटर प्लांट्स, सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ प्लांट्स कैसे कहाँ उगते हैं, पानी के अंदर भी उगते हैं। दे आर कॉल्ड वाटर प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, वाटर प्लांट्स। एग्जाम्पल, लोटस एंड वाटर लिली, आपने देखा लोटस का प्लांट कहाँ पर होता है, पानी के अंदर, एंड वाटर लिली, है ना। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।